देखिए, जिस तरह से जिला पंचायत अध्यक्ष पद का जब चुनाव शुरू हुआ और पंचायतों के जब तीसरी पंचायत राज व्यवस्था के चुनाव शुरू हुए, तो पहले जिला पंचायत सदस्यों का चुनाव शुरू हुआ और फिर उसके बाद जिला अध्यक्ष का चुनाव होना था। जिला पंचायत का जो आरक्षण आया तो अध्यक्ष पद की सीट को अध्यक्ष पद पीलीभीत का पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित किया गया और उसके बाद सारे लोग सदस्य लोग अपने अपने तैयारी में जुटे, अपने लोग सब लोग लड़े चुनाव, सारी पार्टियां लड़ी, समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी लड़ाए और सबसे ज़्यादा समाजवादी पार्टी के जिला पंचायत सदस्य जीत कर आए। भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने प्रत्याशी लड़ाए और उनके काफ़ी कम जीत कर आए, बहुत सारे लोग उनके सब हार गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने जो सदस्य पद के जो प्रत्याशी थे उन सबको ये कहा कि उसमें कुछ जो पिछले समाज के जो सदस्य थे उनसे सबसे कहा कि हम आपको जिला पंचायत अध्यक्ष बनाएंगे, जिला पंचायत अध्यक्ष पद के आपको दावेदार बनाएंगे। लेकिन जैसे ही वो लोग जीत कर आए, ख़ास तौर पे पीलीभीत जिले में कुर्मी बिरादरी और लोधी बिरादरी, क्योंकि जो है पिछड़ा वर्ग में ये जो है जातियाँ बाहुल हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ने भी इन बिरादरियों को शब्दभाग दिखाए, उन्हें सपने दिखाए और उसमें जो सदस्य जीत कर आए। लेकिन जब अध्यक्ष पद का जब समय आया, अध्यक्ष पद के चुनाव का, तो उन्होंने एक जो रियल में पिछड़े नहीं है उस प्रत्याशी को, एक सामान्य जाति के प्रत्याशी को फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर अपना कैंडिडेट बनाया जिला पंचायत अध्यक्ष पद का। और उसमें से जो उनके साथी थे भारतीय जनता पार्टी में पिछड़े वर्ग के जो लोग थे, तो वो कहीं ना कहीं उनकी भावनाएं आहत हुई और उन्होंने समाजवादी पार्टी के से संपर्क साधा, समाजवादी पार्टी से संपर्क साधा और उन्होंने समाजवादी पार्टी में माननीय अखिलेश यादव जी के साथ जुड़ने की उन्होंने अपनी मंशा जाहिर की। समाजवादी पार्टी ने उनको जोड़ा और उन्होंने जब अध्यक्ष पद का प्रत्याशी अपने आप को बनने का आवेदन किया तो समाजवादी पार्टी ने उनका और स्वामी प्रवक्तानंद जी का और दो सदस्य और तीन सदस्य अपने पैनल में भेजे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की अनुमति अनुसार, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के निर्देश पर समाजवादी पार्टी के स्वामी प्रवक्तानंद जी को जिला पंचायत अध्यक्ष पद का दावेदार बनाया और उनको उनका नामांकन कराया हम लोगों ने। उसके बाद बीजेपी ने अपना डॉक्टर दलजीत कौर जी का नामांकन कराया और दलजीत कौर जी ने फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर जो नामांकन किया था उस पर समाजवादी पार्टी के हमारी पार्टी के जो प्रस्तावक दिग्विजय सिंह जी जो हमारे साथ बैठे हैं, इन्होंने उस पर आपत्ति दायर की और ये हमारे जो अनुमोदक हैं उनके प्रतिनिधि हैं जिला पंचायत सदस्य जी के, राजेश गंगवार जी हैं, तो इनकी पत्नी जिला पंचायत सदस्य हैं, वो हमारे अनुमोदक हैं। तो ये आपत्ति दाखिल की कि भारतीय जनता पार्टी ने एक फर्जी तरीके से अपना प्रमाण पत्र पिछड़ी जाति का उस प्रत्याशी ने दायर किया है तो उसको निरस्त करने की मांग की गई। रात 10:30 बजे तक उस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया और जिलाधिकारी पुलकित खरे जी द्वारा शाम को रात 10:30 बजे के करीब मौखिक रूप से कह दिया कि आपकी आपत्ति जो है आपको आपत्ति को निरस्त किया जाता है, जबकि कोई लिखित आदेश नहीं दिया। समाजवादी पार्टी ने उनसे लिखित में वो मांगने का प्रयास किया लेकिन उन्होंने लिखित आदेश को ही नहीं दिया और उनके जो जिस पर्चे को निरस्त होना चाहिए था उस पर्चे को उन्होंने वैध करार दे दिया। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग आहत थे और कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा था कि ये जो है आज उनकी जो स्थिति थी उनका पर्चा खारिज हो रहा था तो पूरा सब सकते में आ गए। लेकिन चूँकि भारतीय जनता पार्टी की जो पहले से जो रणनीति रही है कि विपक्ष को हम लोग नामांकन ना भरने दें और नामांकन किसी ने भर दिया तो फिर नाम वापसी के लिए अपने पूरी सत्ता का दुरुपयोग करें, आपने देखा होगा पूरे प्रदेश में तमाम सारे जनपदों में जिला पंचायत अध्यक्ष पद के दावेदार जो थे नामांकन भरने गए उनके साथ मारपीट की गई, प्रस्तावकों से मारपीट की गई और पुलिस की मौजूदगी में मारपीट की गई, उन्हें उन पर फर्जी मुकदमे लिखे गए, बॉस को अपहरण करके जेल भेजने का भी काम किया गया, तमाम सारे कृत्य उन्होंने किए। उसी तरह से जो 3 दिन का जो नामांकन वापसी का जो समय था वही उन्होंने अपने सत्ता का पूरा दुरुपयोग जो है धन बल और अपना सत्ता बल पूरा सारा दुरुपयोग उन्होंने पीलीभीत जनपद में भी किया
और हमारे जो प्रस्तावक बैठे हैं इनको भी तमाम सारे लालच दिए गए, करोड़ों रुपए के इनको लालच दिए गए, और जब ये लालच हमारे अनुमोदक जिनको भी लालच दिए गए, जब ये उनके लालच में नहीं आए तो इन पर फर्जी मुकदमे लिखे जाने के, घर को तालाब बना देने के, तमाम सारे इन पर जो उन्होंने दबाव देने का प्रयास किया, लेकिन ये साथी कहीं ना कहीं उनके दबाव में नहीं आए। लेकिन जो हमारे प्रत्याशी, जो हमारी पार्टी के जो प्रत्याशी थे, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो जो उनकी सत्ता का जो दुरुपयोग किया है, कहीं ना कहीं उसमें उनके कुचक्र में फंस गए और जो है उन्होंने नाम वापस ले लिया। अब कितना दबाव रहा, क्या रहा, जब जब हमारी पार्टी के प्रत्याशी जब उनसे छूट कर आएंगे बीजेपी वालों से, तब वो सारी चीज़ें स्पष्ट होंगी कि किस तरह से उन्होंने कितना दबाव दिया, क्या किया, क्या नहीं किया, क्या धमकियाँ दी, वो सारी चीज़ें बाद में निकल कर आएंगी। नहीं, लड़ाई सत्ता से थी तो जाहिर सी बात है कि दबाव तो पड़ेगा, सारी रणनीति वो अपनाएंगे। आपको नहीं लगता कि कहीं चूक हुई आपको? नहीं नहीं, चूक नहीं हुई, समाजवादी पार्टी से बिल्कुल चूक नहीं हुई। हमारा पर्चा, हम लोगों ने पर्चा दाखिल किया और हमारे 25 से ऊपर मेंबरों का समर्थन हमारे साथ में, तमाम सारी चीज़ें रहीं। लेकिन मैं इस बात को फिर क्लियर करना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी चाहे कितने भी कुचक्र कर ले, कितना भी डरा ले, कितना भी धमका ले, कितना भी सत्ता का दुरुपयोग कर ले, लेकिन हम उनके प्रत्याशी के जो पर्चा दाखिल किया है उसको कोर्ट में, हम लोग माननीय न्यायालय में उसको चुनौती देंगे। और ये हम दावे के साथ कह सकते हैं कि माननीय न्यायालय से हमें जो है न्याय मिलेगा और उनका पर्चा खारिज होगा और समाजवादी पार्टी का ही जिला पंचायत अध्यक्ष जीतेगा। और उनका पर्चा जब खारिज होगा तो, और जो फर्जी प्रमाण पत्र बनाने वाले जो अधिकारी हैं और जो बनवाने वाले हैं उनको जेल भी जाना पड़ेगा। मतलब आप ये मानते हैं कि अभी वो ना हारे हैं, आप हारे हैं और ना वो जीते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। समाजवादी पार्टी ना कभी हारी है ना कभी हारेगी। हमने पिछड़ों की लड़ाई को मजबूती से लड़ा है और मजबूती से हम लोग लड़ेंगे, भले वो चाहे कुछ भी कर ले। और मैं इस बात को बिल्कुल अभी क्लोज नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल। और निश्चित ही जो साक्ष हमने प्रस्तुत किए हैं, जो जिस तरह से फर्जी प्रमाण पत्र उन्होंने बनाया है, उनका पर्चा निरस्त होगा और फर्जी प्रमाण पत्र बनाने वालों को जेल भी जाना पड़ेगा और जिला पंचायत अध्यक्ष आने वाले समय में समाजवादी पार्टी का ही बनेगा। मतलब हाईकोर्ट में आप खड़े हो रहे हैं? निश्चित मान न्यायालय की शरण लेंगे हम लेंगे या ले रहे हैं? नहीं, ले रहे हैं, लेंगे, ले रहे हैं हम लोग, सारे कागज और कलेक्ट कर रहे हैं हम लोग, ले रहे हैं, इसकी तैयारी है पूरी। मतलब अभी जो है आप ये मांग नहीं चल रही, कितना भी खुश हो ले भारतीय जनता पार्टी के लोग, कितना भी खुश हो ले, अपने मुंगेरी लाल के हसीन सपने कितने भी देख लें, लेकिन कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ने उनको जो चुनौती दी है, 10:30 बजे तक वो अपने अपना नामांकन बचाने में जुटे रहे और आने वाले समय में वो नामांकन को बचा नहीं पाएंगे, वो निरस्त होगा और जिला पंचायत अध्यक्ष समाजवादी पार्टी का ही बनेगा। लेकिन इस घटनाक्रम से कहीं ना कहीं सपा कार्यकर्ताओं का मनोबल तो गिरा? नहीं, बिल्कुल नहीं, समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं का ना मनोबल गिरा है ना कभी गिरेगा। समाजवादी पार्टी का एक एक साथी, एक एक सिपाही मजबूती से समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा है। क्या आपको इसका आभास था कि ऐसा भी हो सकता है? नहीं, ये आभास, इस तरह का आभास तो सबको था कि जो है ये सत्ता का दुरुपयोग करेंगे, ये तो सभी को आभास था। इन्होंने पूरा दुरुपयोग पूरे प्रदेश में करा, तो यहाँ भी उन्होंने करने का प्रयास किया, वो किया, क्योंकि यहाँ का जो चुनाव था भारतीय जनता पार्टी नहीं, लेकिन यहाँ के जो जिला अधिकारी पुलकित खरे जी चुनाव लड़ रहे थे, दुरुपयोग तो हुई ना। जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव का अभी खेल खत्म नहीं हुआ है, अभी लड़ाई आपकी जारी है, अभी खत्म, अभी उसका परिणाम नहीं आया, परिणाम आएगा और इन्हें पता लगेगा, भारतीय जनता पार्टी जो खुश हो रहे हो उन्हें उनकी औकात पता लग जाएगी। अब आप अदालत को के जरिए जो है लड़ाई लड़ेंगे? निश्चित। अगर बाबा आपकी पार्टी के चेहरा नहीं होते तो कौन होता है? हमने तीन जो हमारे आवेदक थे, तीन लोग नाम भेजे हैं और उनमें से एक नाम स्वामी विवेकानंद जी का जो है उनका वहाँ सेलेक्ट हुआ है और हमारी पार्टी का जो निर्णय था, और अगर ये नहीं होते तो हमारी पार्टी के और जो आवेदक है वो होते। आप दोबारा चुनाव कराएंगे? तैयारी में हैं? नहीं, अध्यक्ष समाजवादी पार्टी का ही बनेगा, उनका भी खारिज हो जाएगा निश्चित, पूरा भरोसा। दोबारा होगा?